हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। मैं खास इसलिए बोलूंगा बिकॉज इन्होंने मार्केट में जो हमेशा लोगों को समझाया है, निवेश करने के तरीके बताए हैं, शायद वही तरीके अगर आप इनके साथ जुड़े रहे तो 10-15 साल में आपने सीखा होगा कि सोच कर समझ कर लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करेंगे तो आपने किस प्रकार की वेल्थ क्रिएट करी है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है और सब ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो रामदेव जी, शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश में आने के लिए। सब आपसे इस समय समझना चाहते हैं जी, मार्केट तो बढ़ गया, दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, जो डर के बैठे थे, और जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, दोनों लोगों को आप क्या राय देंगे? देखिए, जो बाजार में है वो ज्यादा है, लोग ज्यादा था ना, तो उनको तो बैठे रहना चुपचाप, बेचो मत। अच्छा, बाजार जहाँ से 10% गिर सकता है, 5%, वो कभी भी हो सकता है, करेक्शन तो हो ही सकता है। अभी जो गिरेगा वो करेक्शन ही होगा, चाहे पॉलिटिकल अफेयर्स हो, जियो पॉलिटिकल हो, ऑयल प्राइस हो, कुछ ना कुछ होगा, पक्का होगा। मतलब वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट पक्का कुछ ना कुछ होगा। सो करेक्शन होना चाहिए और होगा। करेक्शन सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है बाजार के लिए, फिर वो अपचन रहते, फिर सो वो निकल गया, 1000 पॉइंट निकल गया, फिर मार्केट बहुत हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, अभी इस बार क्या है कि आपको डोमेस्टिक्स तो कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, बिकॉज पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड टाइम क्या हुआ कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया, तो 5 मिनट में आपको अकाउंट चालू होता है। तो हमारे जो 30 मिलियन कस्टमर थे वो बढ़ गए हो गए 120 मिलियन, और हर महीने 2 मिलियन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगला 4-5 साल में, और जो गवर्नमेंट का भी जो एटीट्यूड है कि भाई दे वॉन्ट लार्जर पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है 200-250 मिलियन कस्टमर हो जाएंगे। मतलब मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। तो रिटेल की चिंता ही मत करो आप, यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लो तो बहुत भयंकर है, स्टिल इट इज़ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल सेविंग्स इन इंडिया। सो डोमेस्टिक साइड में कोई इशू नहीं है लॉन्गर टर्म। FIs, देर अपॉर्चुनिस्टिक। तो उधर क्या है कि आपका जैसे बीच में 30-25-30 बिलियन डॉलर के बेच रहे थे, वापस उन्होंने 20-25 बिलियन खरीद लिया, बट यहाँ से एलोकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अब वर्ल्ड में नाउ PM साहब ने बोला है कि भाई विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, तो उसके लिए उनको पोजिशन करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड लार्जेस्ट तो इकोनॉमी हो गया, बट सेकेंड बेस्ट मार्केट होगा लीवर साइड US, उसका चाइना जो सेकेंड लार्जेस्ट, बट दम नहीं बाजार में, पैसे बना नहीं लोगों ने, यूरोपियन मार्केट छोटे छोटे, एक्स US, इट इज़ US और इंडिया। आपको डेवलप मार्केट खेलना था US, और डेवलपिंग मार्केट खेलना तो इंडिया। तो इसमें क्या अलोकेशन अलग ढंग से होगा, जैसी सोच हमारी है उतना बुलिश सोच उनका नहीं है, उनको टाइम लगेगा। बट जो मेरे को सुनाई पड़ रहा है FIs से जो बात हो रही है, मेरे लग रहा है कि कई बार हम लोग इतने डिसअपॉइंटेड उनके बिहेवियर से कि अब वो एक्चुअली गर्म हो रहे तो हम लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे, ऐसी वाली हालत है। सो वो गर्म हो रहे हैं अब उनको ज़्यादा बहुत अल्टरनेटिव नहीं है। हांगकांग में जो है ना, वो वहाँ से पोजीशन कट कर रहे हैं चाइना। अच्छा, चाइना का पोजीशन बहुत बड़ा था, तो आप 1-2% भी वहाँ से कट करो तो बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास में है यहाँ। सो अब सवाल क्या है कि व्हाट विल चेंज। अभी इसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स का कहानी है, यहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आना चाहिए, खाली पैसे से काम नहीं होता है, आपको अर्निंग्स भी चाहिए। सो अभी इस साल का अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन 20-25% का है, यदि वो आ गया तो आप मतलब ये अगला 12 महीने बहुत बढ़िया चलेगा, तब तक नई सरकार भी आ जाएगी। आप दूसरे तरफ देखें तो फिर शेयर आएंगे कहाँ से, जब गोरे को भी खरीदने गए और काले को भी खरीदने गए तो पैसे शेयर कहाँ से आएंगे। तो आपका जो IPO मार्केट है, आपका QIP है, आपको फॉलोअन है, ब्लॉक्स है, प्राइवेट इक्विटी है, वो सब के सब बेचेंगे आप। एंड अब यहाँ से समय आया है कि यहाँ से पैसे जो है ना, कुछ हद तक पैसे इवन रियल इकोनॉमी में जाना चाहिए, रियल कंपनी जाना चाहिए। जैसे आज निर्मल ने बोला कि हम 7000 करोड़ का इशू करेंगे, तो वो कुछ नया काम करेंगे, कोई नया कोई केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे या कुछ तो भी करेंगे वो। तो इस टाइप के जो कैपेक्स जो अनाउंस होते जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड ट्रेंड। सो ये मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी हेल्दी मार्केट विद अ एक्सपेक्टेशन ऑफ 5-10% करेक्शन। आपको 12-14% आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा लंबे का सोचना पड़ेगा, ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं सोचे आप। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों के लिए है कि मार्केट बढ़ा है तो इसका मतलब नहीं है आपको बेच देना चाहिए। जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन हाई डज नॉट मीन यू शुड चेंज योर लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो। इस साल एक सेक्टर बहुत जोर से बढ़ा है जो आप काफ़ी यू नो क्लोजली ट्रैक करते हैं, वह है ऑटो। ऐसा क्या ऑटोज में बदला, 50-60% एवरेज उछाल ऑटो स्टॉक्स के अंदर? देखिए, रोटी कपड़ा मकान एंड गड्डी है ना। आपने रोटी कपड़ा मंगाने तो कहानी खत्म हो गई। रोटी रोटी कपड़ा गाड़ी मोबाइल फोन मतलब मोबाइल पहले आ गया एक्चुअली। रोटी कपड़ा सर, रोटी कपड़ा मोबाइल मकान, फिर उसके बाद गड्डी आएगा इस टाइप का। तो लेकिन दिस आर ऑल वेरी एसेंशियल काइंड ऑफ थिंग। बिना अच्छा, EV का बहुत आवाज़ है, लेकिन EV का शेयर जो है ना, अभी भी नंबर ऑफ EV सोल्ड इज़ नॉट मीनिंगफुली हाई।
तो उसी कारण से क्या है जो भाई आज आपको गाड़ी खरीदनी 4-5 लाख में, तो आपको अभी भी मारुति या कुछ भी i10 ऐसा कुछ खरीदना पड़ेगा। सो बेसिकली ऑटो गाइज आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, उन्होंने अब नए IC इंजन में कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं आ रहा है, कोई नया कौन फैक्ट्री लगाएगा भाई। सो जो एग्जिस्टिंग है वही मजा कर रहे हैं। सो और यही लोग जो है जाके EV भी लगाएंगे होपफुली। सो देर इज़ नो न्यू ब्रांड न्यू EV प्लेयर ऑल्सो इन स्केल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जितना प्रॉफिट IC का है जो पुराने इंजन का है वो तो इनके पास है ही, उसके ऊपर से EV कभी आया प्रॉफिटेबल हुआ तो भी इनको ही आएगा, ऐसा अभी बिलीफ है। लेट्स सी मतलब एज वी गो फॉरवर्ड कि ऐसा कोई न्यू सेटअप जैसे टेस्ला आया अमेरिका में, ऐसा यहाँ तो कोई कंपनी नहीं कि प्योर प्ले EV कंपनी जो मतलब ने 10-20 बिलियन डॉलर कमा लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो मेरे ख्याल से यही चलते हैं कि ऑटोमोटिव डिमांड बहुत मतलब अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इवन 2-व्हीलर में अंडर पेनिट्रेशन है, फॉरगेट अबाउट 4-व्हीलर, 4-व्हीलर तो है नहीं यहाँ पर। सो द डिमांड फॉर ऑटोमोटिव इज गोइंग टू बी सस्टेन एंड दे आर एक्सट्रीमली वेल रन कंपनी, वेल फंडेड, नेट कैश कंपनीज है सब। सो उसी कारण से थोड़ा और कोविड में काफ़ी धुलाई होती है, सो वो बेस से आ रहे ऊपर। वो क्या AI IT का गेम खराब कर देगा? अगर AI IT का गेम खराब करता है तो जॉब क्रिएशन में फर्क पड़ेगा। IT का बेंचमार्क 14-15% है, एक भारत की आन बान शान हम बोल सकते हैं IT है, क्या फर्क पड़ेगा? अरे AI इंडिया नहीं करने वाले सर। जैसे जो भी कॉर्पोरेशन है वर्ल्ड वाइड उनको यदि AI एप्लीकेशन चाहिए तो उसको करेगा कौन? उनके यहाँ के बंदे को थोड़ी कौन ट्रेन करेंगे, यहाँ तो सबके सबको ट्रेनिंग में लगा देंगे लोग। तो मेरे ख्याल से जितने भी अपने बड़े सर्विसेज कंपनीज हैं दे हैव अडॉप्टेड ऑल द अपहीवल्स इन द पास्ट, जैसे आपका ERP आया या वेब कंसल्टिंग आया या जो भी आया, हर चीज़ में ये आगे से आगे बढ़ के करते हैं। क्योंकि क्लाइंट को आज के दिन में उनको ये क्लाइंट को भी नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम मेरे ग्राउंड की AI का एक्सप्लॉयट कैसे करने का, AI पे का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉयट कैसे करना, बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसको कॉर्पोरेशन में ऐसे मुद्रा उछाल कैसे यूज़ करें उसको, या कोई भी कंपनी कैसे यूज़ करे, और उसको यूज़ का उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कौन करेगा और उसको फिर स्केल अप कौन करेगा, तो ये सब सर्विसेज कंपनी करने वाले हैं। अब सवाल क्या है कि कैन द वर्क बी डन मच फास्टर देन द वे दे आर डूइंग इट टुडे, बिकॉज ChatGPT हुआ सॉफ्टवेयर भी लिख देते हैं शायद, ऐसा कुछ पड़ता है। तो वो एक डर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ChatGPT आने के बाद ही ऐसा हुआ है। ये जो जो लार्ज लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर जो लिखते थे लोग, ये पहले से चालू है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये लोग किए हैं, हर कंपनी का अपना ये है। तो जो प्रोजेक्ट जो लाइफ साइकिल होता था वो पहले से काफ़ी कम हो चुका है, अब और फास्ट होगा। तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज लिटरली अनलिमिटेड है, हर चीज़ में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू जस्ट ग्रो एक्सपोनेंशियली, एंड इफ वन कैन अफोर्ड दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर। सो कोई कंपनी में, एटलीस्ट मेरी कंपनी में मालूम है कि IT बजट इज नॉट कमिंग डाउन, IT बजट इज अनलिमिटेड, इन द सेंस दैट 10%, 15%, 20% बढ़ते जा रहा है, और मेरी कंपनी भी बढ़ रहा है तो सब कंपनी बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये बजट किसको जाएगा, विल इट गो टू द क्लाउड कंपनी, विल इट गो टू द, बट सर्विसेज कंपनी का जो शेयर है वो रहने वाला। सो आई एम नॉट बेरिश, मेरी समझ बहुत लिमिटेड है AI और की, लेकिन मेरे को लगता है कि इसका सबसे बड़ा, मेरे को लगता है इट कुड बी अ सेकेंड Y2K मोमेंट फॉर इंडिया। बड़ी बात है। आखिरी सवाल, आपके पास समय कम है, हम 10-15 मिनट निकालने का ट्राई कर रहे हैं। हर साइकिल में हमने देखा है कि एक सेक्टर ऊपर जाता है, एक सेक्टर नीचे आता है। 2000 की साइकिल में देखा TMT, बाकी सब सेक्टर नीचे थे। 2008 के बाद हमने देखा, उसके पहले हमने देखा इंफ्रा, FMCG नीचे था। इस साइकिल के अंदर बैंक्स ऊपर है, IT नीचे है, तो पैसा तो उसमें बलता है जो आप ऊपर में बेचो और नीचे में लो, तो ये बैंक्स बेच करके IT लेने का समय आ गया। बहुत ये मतलब दोनों, ऑफकोर्स बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल, और सी ये बिगेस्ट, ये क्या इंडिया स्टोरी है, दिस इज अ बिग इंडिया स्टोरी, और इसमें FI फ्लो आएगा, इसमें क्या लार्ज कैप में आएगा पैसे, मतलब जब FI आता है तो इट इज़ नॉट अबाउट मिड एंड स्मॉल, इट इज़ गोइंग टू बी लार्ज कैप, लेकिन उसमें क्या है कौन से, इसमें सी अर्निंग्स ग्रोथ जहाँ जोर से आएगा ना, फॉरगेट अबाउट द सेक्टर, आप कंपनी देखो, यदि मान लो IT में कोई कंपनी में मतलब बहुत जोर से प्रॉफिट ग्रोथ आया 30-40%, तो बाजार उसको आसमान ले जाएगा। आपका बैंक में दिया गया तो बैंक को ले जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट ग्रोथ रादर देन सेक्टर, आई विल टेल यू, एंड अपॉर्चुनिटी सब जगह है, कौन कौन सी कंपनी कैसे प्लेस्ड है और कौन एक्सप्लॉयट करेगा, कौन सा मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि आपका 7% सस्टेन ग्रोथ, मतलब देर इज अ लॉट, क्योंकि आपका 7% रियल GDP ग्रोथ है, लेकिन डॉलर GDP ग्रोथ विल बी मोर लाइक 9-10%। तो आपका जो अच्छा अभी आपका सर्विस एक्सपोर्ट में इतना बूम है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्सो मोर एज फ्लैटेंड, दे टॉक अबाउट 1-1.5% करंट ईयर, सो रुपी इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग। आपका फॉरेक्स इज 610 करोड़ प्लस, 610 बिलियन डॉलर प्लस, 610 बिलियन, तो
मतलब सब कुछ अच्छा है अभी तो मेरे को लगता है बिगेस्ट बुल रन इज अबाउट इंडिया इटसेल्फ. तो उसमें सबसे पहले तो क्या है, आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता आप इंडेक्स करके बैठे हो. जी हां जी हां, ज्यादा मतलब एक्चुअल में इजीएस्ट थिंग इज टू गो एंड बाय इंडेक्स. एंड एक बार इंडेक्स खरीद लो, 100 करोड़ का डालेंगे, 100 करोड़ का इंडेक्स खरीदो, उसके बाद मालूम पड़ा निकोन से बात किया भैया ये कंपनी बहुत समझ में आ रहा है, समझे ना, फिर उतना 10% आप रिडीम कर लो और जाके वो कंपनी खरीद लो. लेकिन डे वन पहले तो आप अलोकेट कर लो, डोंट स्टे आउट ऑफ द मार्केट. जी क्योंकि कब 5% बढ़ जाएगा ये नहीं मालूम. जी स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड, मार्केट बढ़ चुका है, मगर रामदेव जी का मानना है कि इस समय कोर पोर्टफोलियो को बेचने की गलती ना करें. और अगर आप कैश पर बैठे हैं तो टेक्निकली आप भले ही निफ्टी में शॉर्ट ना हो, मगर आप टेक्निकली अंडर इन्वेस्टेड है और पूरे मार्केट का आपको अपसाइड का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मार्केट में करेक्शन आते जाते रहते हैं, शायद यही एक ब्रह्म वाक्य है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आएंगे और जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा हो कम हो. आपका जिंदगी में बर्थडे साल में एक बार आता है, मगर करेक्शन एक बार से ज़्यादा भी आ सकता है. तो करेक्शन से ना डरिए, फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए. शुक्रिया रामदेव जी. थैंक यू.